अच्छा सुनील भाई पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट uh, uh, की थी तो ऑब्वियसली वाज एक्सट्रीमली वेल रिसेप्टेड वन ऑफ़ द हाइस्ट व्यूइंग पॉडकास्ट थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की थी उसमें एक जो रिकरिंग uh, कमेंट मैंने ओवरऑल देखा था वो ये था कि यार बाइक्स पे बात नहीं किया हाँ जी बिल्कुल तो बाइक्स के बारे में क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी फ्रटर्निटी बाइकर्स की भी है नॉट ओनली मतलब जो डेली यूज़ वाले भी हैं जी 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 आ, तो उनके लिए कोई आपके पास कोई न्यूज़ हो कोई अपडेट हो या एनी थिंग रिकमेंडेशन कुछ सर, भी उसमें भी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा मैं दरखास्त गवर्नमेंट से करता हूँ ये करता हूँ कि वही बात है ऑल दैट लीटर्स गोल्ड वाली बात है जो गाड़ियाँ ना वो लोगों को ट्रैक करती हैं कोई पॉलिसी की बात होती है प्राइसिंग की बात होती है कि जी ऑटो इंडस्ट्री पर नोटिस ले लिया बाइक्स एक ऐसी चीज़ें जो कि जो कहते हैं ना अंडर द रिडार जो दिल कर रहे कर रहे हैं जो दिल कर रहे कर रहे हैं मतलब आप ऑटो इंडस्ट्री का डेटा उठा के देख लें जिसमें मैंने आपको सेवेंटी की न्यूज़ दी है माशा कि वो हंड्रेड से ऊपर चली गई है लाख से ऊपर चली गई है इसी तरह आप हर अगले दिन जो गाड़ी की प्राइस जितनी फ्रीक्वेंसी से बढ़ी है उससे ज़्यादा जो है ना मोटरसाइकिल की बढ़ी है अच्छा और अगर आप डॉलर की परसेंटेज वाइज भी देख लें वो भी ज़्यादा बढ़ी है प्लस अगर आप इनोवेशन की हम बात करते हैं ना कि जी बिग थ्री ने कुछ नहीं किया था फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में अब कितनी रेवोल्यूशन आ गई मल्टीपल एयर बैग छः छः एयर बैग सुजुकी स्विफ्ट अभी आप बात करते हैं छः एयर बैग उसमें है और रूफ और

उसके अंदर आज तक हम ये नहीं निकाल सके हमारा एक सोशल कल्चर है हमारे यहाँ पे खवान बुरख़ा पहनती हैं हमारे यहाँ ख़्वीन दुबट्टा लेती हैं चादर लेती हैं जो उसके पहिये में आता है और वो गिरती हैं और ये एक्सीडेंट होते हैं और कई साल से आ रहे हैं नी भट्टी साहब जो हमारे कोफाउंडर उन्होंने एक बार वीडियो बनाई वो जियो पर और सारी जगह चली व खातून शाराय फैसल पर उनका वो दुबट्टा चले गए आज तक एक कंपनी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकी प्राइवेट इंडिविजुअल बनाते हैं फिर आप उसके डिज़ाइन को देखें हमारे यहाँ पर एक बड़ा फैशन है कि जी हमने हमसाए ममालिक से गाड़ियों की प्राइस कंपेयर करनी है मैं कहता कहूँ यार गाड़ियों को छोड़ दूँ सिर्फ मोटरसाइकिल कंपेयर करके देखें उधर क्या क्या डिजाइन है कैसे कैसे मोटरसाइकिल है बीस बीस साल से एड्स देख रहे हैं वो कोबरा उनकी एक आती है और स्कूटीज देख लें उनके और ब्रांड है रॉयल एनफील्ड लंडन में चलती है वहां से दोस्त कहते हैं लेके आनी मैं कहता हूँ भाई मेड इन इंडिया कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकती बट आप ये देखिए कि उनके पास मोटरसाइकिल अगर आप जीरो से लेके शुरू करें सीसी वाइज तो कितनी ऑफरिंग्स हैं कितना कंपटीशन है कितनी लोकलाइजेशन है हमारे यहाँ वो होंडा की सेवेंटी है जो आपने एक दो बताए चाइनीज चार पांच जितने हैं ना सबको टोटल को, को डीबैच करके खड़ा कर लें अगर कोई ना बता देना जिनकी अपनी है वो भी बता दें तो आप जो मेरी सजा कहेंगे मुझे कबूल है कोई इनोवेशन नाम की चीज़ ही नहीं है दूसरा मोटरसाइकिल वालों के लिए मैं हमेशा उनसे मुझे कोई बंदा मिलता है जो पार्क व्हील्स का फॉलोअर हो जी मैं आपकी वीडियो दी मैं पहला सवाल पूछता हूँ भाई जान हेलमेट कहाँ है सर वो मैं भी बस यहाँ से निकला था यार देखो एक्सीडेंट ने बुरे वक्त ने बता के नहीं आना कि आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे थे कि आप दो किलोमीटर जा रहे थे कि दो सौ जा रहे थे सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी पे किसी भी ऐसी चीज़ में आप मशीन पे होंगे टू थ्री व्हीलर फोर व्हीलर पे तो आप एक्सपोज उस तरह से नहीं होते कि आपके पास एक बैरियर होता है फर्स्ट के हाँ, एयर बैग नहीं भी है हाँ, तो लोहा है टीन है जो भी एक चादर है देन यू कम इट मोटरसाइकिल में तो आप एक्सपोज हैं डायरेक्ट तो आपको अपना जो सेफ्टी गेयर है वो लाजमी होना चाहिए शीशे जो हैं जो कि रेयर व्यू मिरर जिनको बोला जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जिससे पूछे क्या क्या चोरी हो जाते हैं मेरा एक सवाल है उस शख्स से वो चोरी होकर कहाँ जाते हैं हाँ चोरी हमेशा वो चीज़ होती है जो दोबारा रीसेल हो सके या कोई ख़रीदे भाई जब किसी पूरे पाकिस्तान में सौ मोटरसाइकिलों में से नाइन्टी नाइन पर वो शीशे हैं नहीं तो चोरी करके वो एक ही लगा रहे सारे <laughs> कहाँ जाते हैं वो हाँ वो नहीं करते नहीं वो कहते हैं वो लुक नहीं आती अंकल लुक हो जाती है थोड़ा स्टाइल थोड़ा रगिडनेस चाहिए होती तो लड़के ख़ुद उतारते हैं इवन हमारे जो है सही हो सामा लड़के ख़ुद उतारते हैं ना शीशे पहले दिन ही जो है शीशे उतार देते हैं तो गलत है ना ये तो मैं कह रहा हूँ हाँ। आप शीशा उतार देते हैं फिर जब आप चला रहे हैं सड़क के ऊपर तो आप यूँ गर्दन से इंडिकेटर दे रहे होते हैं हाँ। और पीछे वाले का उसको पता लग जाए कि आपने इधर किया तो इधर जाना है हाँ। इधर किया तो इधर जा रहे हैं हाँ। तो भाई जो इंडिकेटर इसमें जो फिट कर रहे हो उसके इंडिकेटर चलाओ पहली बार हाँ। दूसरी बात शीशे मैं जो मेरे से तो गाड़ी नहीं चल सकती है गाड़ी में दोनों शीशे नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ब्लाइंड चीज़ में बैठ चुकूँ वो बहुत ज़रूरी है और तीसरा अंडर एज ड्राइविंग मैं ये बात बड़ी ज़रूरी करना चाहता हूँ अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो ऑटो मतलब गाड़ी कितनी दो लाख बन जाती है मोटरसाइकिल हर साल दस लाख से ज़्यादा बिकती है हर साल और कितने सालों से बिक्री आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मोटरसाइकिल आपके मुल्क में मौजूद है और आप एक रिसर्च करके देख लें कि घर में बाप काम पर चला जाता है बहन भाई जो बड़े हैं वो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं माँ को दूध दही लाने के लिए जो घर का छोटा बच्चा है ना बारह साल का वो जहाँ क्यों जब वो घर से जाता है तो आपको नज़र नहीं आता कि वो अंडर एज है फिर उसका जवाब होता है कि जी हम क्या करें हम अपने काम कैसे करें दोस्त है हमारे मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था डॉक्टर आमिर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारे पास केसेस आते हैं लोगों की टाँगें टूट रही हैं ये हो रहा है और इतने ज़्यादा आते हैं और जब आप सोचें ना आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा काम कौन करेगा अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा एक बच्चा आज के दौर में किसी भी अपनी जो है हाथ से पाँव से किसी तरह से भी जख्मी हो जाता है तो लाइफ टाइम एलिमेंट है आप उसको अलहदा संभालेंगे जो हमारा मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको संभालते संभालते हमारा जो सिस्टम है हाँ। उसके अंदर बजाय इसके कि मुझे आप ऐसी चीज के जाएं, मेरे ख्याल से तो आपको सौ दफा अपने कानों पे हाथ लगाने चाहिए और अंडर एज ड्राइविंग को डिस्करेज करना चाहिए हाँ। गलियों मोहल्लों में आप जाए बच्चों का शुगर ही है हाँ। मोटरसाइकिल लेके निकले में सीखी हुई है गाड़ियाँ तक नहीं मैं फिर कह रहा हूँ गाड़ी वाला भी गलत है मैं नहीं कह रहा वो गलत नहीं लेकिन दाना है हाँ। हाँ। देर is a barrier again. हाँ, वो भी गलत है उसमें हाँ। हाँ। आपको किसी ने राइड नहीं दिया कि वाला लाइसेंस टू के लिए आप दूसरों को मारते फिर हाँ। बट मोटरसाइकिल के अंदर गली मोहल्ले में आप देखें लोग फिर रहे होते हैं और मोटरसाइकिलें रेंट पे लेके चला रहे हैं और ये जो है ना ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और ये इसमें सोशल पुलिसिंग आपकी सोसाइटी के लोग हमारे दफ्तर अक्सर होता है मैं दफ्तर नीचे उतर था ना मोटरसाइकिल बच्चे मिलना शुरू हो जाएंगे सर क्या हाल है हमने वीडियो देखी यार तुम्हारी उम्र क्या है बारह साल चौदह साल क्या बंदा उनको किस तरह समझाया जब उनसे बोलो वो कि यार तुम्हारे घर वाले वो जी घर से लेके निकले हैं हम घर वालों को बता के निकले तो वो घर वाले क्यों नहीं मना करते ऐसे ही है बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे भी सैटरडे नाइट रश लगा हुआ था और मैं उनको देख रहा था मैं उनकी उम्रें देख रहा था और मैं सोच रहा था इनके घर वालों को पता नहीं है बच्चे कहाँ निकले हुए कैसे हो सकती है हम एक तरफ दू रो रहे हैं कि हम गरीब मुल्क हैं बाइक महंगी हो गई है तो जो बाइक महंगी है तो जिसने वो महंगी खर्च करके किसी को लेके दी है ना हाँ तो ये बच्चे से मोहब्बत नहीं है मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा बदला नहीं ले सकते आप अपने बच्चों से अगर आपने एक लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया